हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न रिधिमन। तो देखिए, हम लोग 9th क्लास का थर्ड चैप्टर कर रहे थे, राजस्थान के किसान आंदोलन। तो जिसमें हमने मेवाड़ क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुआ उसके बारे में बात की, और लास्ट वीडियो में हमने बात कर दी थी जयपुर किसान आंदोलन की। तो जयपुर किसान आंदोलन, जहाँ शेखावटी क्षेत्र के कई ठिकानों में जो है आंदोलन करते हैं किसान, तो धीरे धीरे जो है ये आंदोलन जो है वो पूरे राजस्थान में फैल ही रहा था। तो मारवाड़ जो है वह भी इससे अछूता नहीं रहा। तो यहाँ पर भी जयपुर राज्य के शेखावटी के जाट आंदोलन का प्रभाव जो है वो मारवाड़ राज्य के डीणवाना और सांबर परगने तथा शेखावटी से लगे क्षेत्र के जाटों पर भी पड़ा। तो यहाँ पर भी जाट थे, जाट किसान आंदोलन ने यहाँ पर भी आंदोलन किया। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की जो है वो स्थापना हुई। इम्पोर्टेंट लाइन है, मारवाड़ लोक परिषद ने किसानों की मांगों का जोरदार समर्थन किया और सरकार की कटु आलोचना की। तो मारवाड़ लोक परिषद, जहां पर लोगों की सुनवाई हो, ठीक है, इसकी स्थापना की गई, जहां किसानों की जो मांगे थी वो बिल्कुल सही मांगे थी, तो इसका समर्थन किया इस मारवाड़ लोक परिषद ने और सरकार की कटु आलोचना की। जागीरदारों ने किसान आंदोलन के लिए लोक परिषद के नेताओं को उत्तरदायी ठहराया। इसीलिए उन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं के प्रति कड़ाई और पाशविक दृष्टिकोण अपनाया। तो यहाँ के जो जागीरदार थे उन्होंने बोला कि किसानों को भड़काने में किसका जो है कौन जिम्मेदार है, लोक परिषद के नेता ही जिम्मेदार हैं। 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो चंद्रावल के ठाकुर ने मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए रोका और रोकने के लिए अपने आदमी भेजे, जिन्होंने परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठी और तेज धार वाले हथियारों से प्रहार किया, जिसमें 25 व्यक्तियों को जो है गहरी चोट आती है। तो सोजत के मीठालाल और विजय शंकर, कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से इसमें घायल हो जाते हैं। 13 मार्च 1947 को डावड़ा डीणवाना परगना गांव की, डावड़ा गांव है और किस परगने में, डीनवाना, किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन बुलाया गया। तो इस में जो नेता हैं मथुरा दास माथुर हैं, द्वारिका दास पुरोहित हैं, राधा किशन बोहरा हैं, किशन लाल शाह हैं, नरसिंह कछवाहा, बंसीधर पुरोहित, हरिंद्र कुमार चौधरी, सी आर चौपासनी वाला आदि भाग लेने डावड़ा पहुंचे। वे स्थानीय नेता मोतीलाल चौधरी के निवास स्थान पर ठहरे। जागीरदारों ने पहले से ही किसान सम्मेलन को ना होने के लिए तैयारी कर ली थी। तो जैसे ही लोक परिषद के कार्यकर्ता नेता वहां पहुंचते हैं, तो उन्होंने मोतीलाल के घर पर ही लाठियां तेज धार वाले हथियार से जो है धावा बोल दिया और नेताओं की जो है वो बहुत पिटाई की गई। तो मोतीलाल की माता के पैर काट दिए गए, उनके पिता और भाई को मार दिया गया। तो यहाँ मोतीलाल का परिवार जो है वो पूरा ही तहस नहस हो गया। उनकी पत्नी के मुख को जो है विरूप कर दिया गया। गांव के चारों तरफ आतंक का वातावरण बन गया और डावड़ा कांड की जो है वो सर्वत्र निंदा की गई। हर जगह जो है इस कांड को लेकर जो है वो बातें हुई कि किस तरीके से जो डावड़ा गांव है वहां पर किसानों के साथ जो है वो बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ। जहां पर मोतीलाल जो है उनकी पूरी फैमिली के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर अत्याचार किया गया। फिर देखें बीकानेर किसान आंदोलन। तो बीकानेर राज्य में कुल 2,917 गांव थे, जिनमें से 1,393 गांव जो हैं जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। सीमा से जुड़े सीकर क्षेत्र, जो बीकानेर की जो सीमा है उसे सीकर क्षेत्र जुड़ा है। शेखावटी के जाट आंदोलन का बीकानेर राज्य के जाट किसानों पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। बीकानेर के अनेक जाट प्रतिनिधियों ने झुंझुनू में आयोजित अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में सीकर में 20 से 29 जनवरी 1934 को विशाल जाट प्रजापति महायज्ञ में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो हमने जब पढ़ा था जयपुर राज्य में किसान आंदोलन, तो वहां हमने देखा था कि सीकर में जाटों को संगठित करने के लिए जो देशराज थे, भरतपुर के जो जाट नेता थे देशराज, तो उन्होंने जो है एक सभा का जो है आयोजन किया था, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ कराने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो उसी
विशाल जो जाट प्रजापति महायज्ञ है, यहाँ पर जो है बीकानेर के जो जाट हैं, जाट प्रतिनिधि, वो भी यहाँ शामिल होते हैं। तो इन घटनाओं के फलस्वरूप बीकानेर राज्य के जाटों में भी जागीरदारों के विरुद्ध जो है आवाज उठाने का जो है साहस, हिम्मत जो है वो उत्पन्न होती है और उनमें राजनीतिक चेतना आई। उस समय किस बीकानेर राज्य के जागीरी क्षेत्र में 37 लाखें जो हैं विद्यमान थी। तो यहाँ पर बीकानेर राज्य में जो जागीरी क्षेत्र था, जो 1,393 गांव थे, उनसे 37 लाखें जो है वो ली जाती थी। तो किसानों से जागीरदार बेगार लेता था। तो 1937 में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें राज्य सरकार के सामने रखी, किंतु इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बीकानेर राज्य में किसान आंदोलन की श्रृंखला में दूधवा खारा गांव जो चूरू के पास में है, यहाँ आंदोलन जो है यहाँ पर भी होता है। पुलिस ने यहाँ खुलकर जो है अत्याचार किया। किसान नेता जो है हनुमान सिंह, इसने ठाकुर द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। तो वह पहले भादरा में महाराजा शार्दुल सिंह से मिला और बाद में अनेक साथियों के साथ वह महाराजा से मिलने माउंट आबू पहुंचा। तो महाराजा ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। तो तब वह जो है आबू से लौट रहा था, तो तब रतनगढ़ में उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जून 1945 में। तो हनुमान सिंह पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, उसे 5 वर्ष का कारावास दिया गया। जेल में भूख हड़ताल भी उन्होंने की। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 10 अगस्त 1945 को हनुमान सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। तो महाराजा ने उसे शांत करने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु उन्होंने इसे इनकार कर दिया। जेल से मुक्त होकर भी लगातार संघर्ष जो है करते रहे। 2 बार और जेल की यात्रा की। अंत तो गत्वा बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार की स्थापना हुई और उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया 4 जनवरी 1948 को। यद्यपि दुधवा खारा किसान आंदोलन सफल नहीं रहा। इम्पोर्टेंट है ये दुधवा खारा आंदोलन। तथापि इसमें राजनीतिक चेतना का संचार हुआ और किसानों ने आत्मविश्वास जागृत हुआ। वे अब अत्याचारों के विरुद्ध जो है आवाज उठाने लगे। हालांकि किसान जो है अत्याचारों के विरुद्ध आवाज तो उठाने ही लगे थे, लेकिन यहाँ पर जो आंदोलन जो है वह सफल नहीं रहा। तो दुधवा खारा जो गांव है वो कहाँ है, चूरू के पास में है हमने देखा। तो यहाँ पर भी यहाँ का जो किसान नेता था हनुमान सिंह, ठीक है, तो उसने जो यहाँ के ठाकुर जो थे उसके अत्याचारों के विरुद्ध जो है वो आवाज उठाई थी, ठीक है, और उनके ऊपर जो है देशद्रोह का मुकदमा भी चला। कई बार जो है उन्होंने जेल की यातनाएं भी सही। अंत में जो है जेल से उनको रिहा भी कर दिया गया, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है दुधवा खारा किसान आंदोलन जो है वो सफल नहीं रहा। 30 जून से 1 जुलाई 1946 को प्रजा परिषद ने राय सिंह नगर में एक राजनीतिक सभा का आयोजन किया और इस सभा पर पुलिस ने लाठियों से आक्रमण किया, जिससे अनेक कार्यकर्ता घायल हुए और उग्र भीड़ ने राजकीय विश्राम गृह को घेर लिया। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके परिणाम स्वरूप बीरबल सिंह मारा गया। अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल ने राय सिंह नगर कांड की समीक्षा की। हनुमानगढ़ में नियुक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट हरदत्त सिंह चौधरी ने राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होकर सरकारी नौकरी से जो है त्यागपत्र दे दिया। उसने प्रजा परिषद की सदस्यता स्वीकार कर ली और 3 सितंबर 1946 के गोगा मेड़ी गांव में एक विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया, जहां जागीर प्रथा के उन्मूलन के लिए नारा बुलंद किया गया। तो देखिए, जो आपने पढ़े हुए हैं किसान आंदोलन, वो तो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन जयपुर किसान आंदोलन है, मारवाड़ किसान आंदोलन है, बीकानेर किसान आंदोलन, जो कि आपने अभी तक जो है इन पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आप लोग इनको रीडिंग करते जाइए और उसके बाद जो है आपको ये चीजें एक बार और ये वीडियो देखेंगे तो आपको सभी बातें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि हम इतना सारा याद कैसे करेंगे, सब कुछ याद होगा। आप लोग बस हौसला बना के रखिए, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, चीजों को पढ़ते चलिए और क्वेश्चन आंसर जो भी आपको मिलते हैं तो उनको आप याद करिएगा। अक्टूबर 1946 में अकाल और सूखे के समय में भी कांकड़ के जागीरदार ने किसानों से पूरा लगान जो है वो वसूल करना चाहा, जिसका जो है किसानों ने विरोध किया और कुछ किसान महाराजा को शिकायत करने के लिए बीकानेर पहुंचते हैं।
इससे जागीरदार जो है वो आग बबूला हो जाता है कि ये लोग जो हैं महाराजा के पास क्यों पहुंचे मेरी शिकायत करने। किसानों पर जो है वो अत्याचार किए जाते हैं, कांगड़ कांड की जो है सर्वत्र निंदा की जाती है। ठीक है, उसके बाद संघर्ष जो है ये 1948 में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद जो है समाप्त हो जाता है। बीकानेर के किसान आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षरों में एक कुंबा राय आर्य भी हैं जिन्होंने परंपरागत लाग बाग बेगार को न देने का बिगुल बजाया। तो इनका नाम जो है वह भी आता है यहाँ पर, किसका? कुंबा राम आर्य का। तो इन्होंने भी जो है लगान वगैरह देने से मना कर दिया था। ठीक है, वे बीकानेर प्रजा परिषद से जुड़े रहे। इन्होंने किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी, तो अब याद रखिए का से कुंभाराम आर्य और का से ही किसान यूनियन क्यों, ये पुस्तक है इनकी। सामंती व्यवस्था के विरोध और किसानों के हित में उनका संघर्ष स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रहा। अब देखिए यहाँ तो मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ाई, एक एक लाइन जो है वो आप लोगों ने गौर की, ठीक है, और ये भी आपको पता लगा कि कौन सी चीज हमने कहाँ पढ़ी। लेकिन यदि आप खुद पढ़ते ना, और तो बुक में ये लास्ट जो पैराग्राफ इसको छोड़ देते हैं, तो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन जो है, जो कि बीकानेर किसान आंदोलन के साथ में ये जुड़े हुए व्यक्ति हैं कुंबाराम आर्य। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है, यदि आप नहीं पढ़ते तो एक नंबर जो है वो आपका एग्जाम में चला जाता। तो किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसकी है, कुंबाराम आर्य की है। तो ये चैप्टर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। चलिए अब हम देखेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। किसान आंदोलन के प्रसिद्ध बिजोलिया राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बिजोलिया जो है किस जिले में स्थित है, बहुत अच्छे से मैंने इस चीज को बताया था कि बिजोलिया जो है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? देखिए ये क्वेश्चन जो है वो उठकर आपके एग्जाम में पूछ भी लिया गया था, और ये यहाँ अभ्यास प्रश्न में है, इसीलिए अभ्यास प्रश्न जो है वो भी मैं आप लोगों को करवाती हूँ, कुछ भी नहीं छूटे चैप्टर में से। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये समाचार पत्र जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जो है किसानों की बातों को पहुंचाया सभी तक, तो ये प्रताप जो समाचार पत्र है इसके संपादक जो है कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। किसके मित्र थे ये? तो ये विजय सिंह पथिक के मित्र थे, और ये समाचार पत्र उस वक्त कानपुर से निकलता था। 1931 में हुए भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता जो है वह कौन थे? तो फटाफट से जो है आंसर को सोचिए। तो यहाँ पर जो फौजी लंबरदार थे उनके नेतृत्व में जो है यह आंदोलन होता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुए किस किसान आंदोलन की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग कांड से की? तो मैंने ये चीज आपको बताई भी थी कि जलियांवाला बाग कांड की तरह है एक अलवर का किसान आंदोलन, जिसे हम नीमू जाना किसान आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 1921 से प्रारंभ होता है, 1925 तक चलता है। उसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पथिक की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो देखिए ऊपर माल पंच बोर्ड जो है, जहाँ पर विजय सिंह पथिक जो हैं उनको महात्मा जी कहकर जो है वो बुलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो राजस्थान सेवा संघ है उसके जो संस्थापक हैं विजय सिंह पथिक ही हैं, और बिजोलिया किसान आंदोलन से ये जुड़ते हैं। तो ये सब चीज़ जो है वो हमने बिजोलिया किसान आंदोलन में पढ़ी। बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का जो है वो वर्णन कीजिए। तो कुछ जो नाम जो हैं वो तो आप बिल्कुल जैसे ही शब्द आता है बूंदी किसान आंदोलन, तो वैसे ही आपके माइंड में जो है आ जाना चाहिए कि बूंदी किसान आंदोलन जो है 1922 के लगभग जो है ये आंदोलन होता है, और डाबी हत्याकांड जो है वो भी हम बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत जो है वो पढ़ते हैं। और यहाँ पर दो किसान जिनके हमने नाम देखे थे, नानक भील और देवलाल गुर्जर, ये शहीद होते हैं, ये देखा था। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन में हमने देखा रूपा जी और कृपा जी धाकड़ जो थे वो मारे जाते हैं। इस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शेखावटी क्षेत्र में किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो हमने जो जयपुर किसान आंदोलन देखा, जहाँ हमने सीकर किसान आंदोलन की मैंने आपको बात बताई, ठीक है, झुंझुनू की बात बताई, तो वो चीज़ जो है इसमें आ जाएगी। निबंधात्मक प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व हुए राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, अलवर या नीमू जाना किसान आंदोलन, तो प्रमुख आंदोलन जो है वो इसमें आ जाएंगे। बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो ये तीन चरणों में ये आंदोलन होता है, और 1941 जो है वहां जाकर जो है ये आंदोलन समाप्त होता है 1848
97 से प्रारंभ होता है और 1941 में जाकर समाप्त होता है। धाकड़ जाति के जो किसान है वो यहाँ पर आंदोलन करते हैं। बिजोलिया जो है उस वक्त भीलवाड़ा, अब भी जो है वो भीलवाड़ा जिले में ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है अच्छे तरीके से। अभ्यास प्रश्न जो है उनको भी आप किया करिए, ताकि चैप्टर जो है वो आप लोगों के कितने माइंड में बैठा पढ़ते वक्त, इसका भी पता चलता है। किसमें आप अटके, कौन सा क्वेश्चन जो है जिसमें आप जो है वो अटक गए, तो उसको आप दोबारा से चैप्टर में पढ़िए, ऐसे ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि जैसे किसान आंदोलन हुआ उसके बाद जनजातियों का जो आंदोलन हुआ, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो लाइन बाई लाइन ही इन चैप्टर को पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है पहले जनजातीय आंदोलन पढ़ लो फिर आप किसान आंदोलन पढ़ें फिर 1857 क्रांति पढ़ें, नहीं। 1857 की क्रांति के बाद ही ये कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पर राजस्थान के क्रांतिकारी जो है वो यहाँ पर बढ़ावा देते हैं क्रांति के लिए, फिर किसानों तक ये बात पहुँचती है, किसान जो हैं उनके अंदर जन जागृति लाई जाती है, किसान जो हैं धीरे धीरे आंदोलन करके जो हैं अपनी मांगे बनवाते हैं, जनजातियों तक पहुँचती है, तो राजस्थान के जनजातियों में आंदोलन होता है। ठीक है, फिर लोगों के अंदर ऐसी जन जागृति जो है वो लाने का काम प्रजामंडल जो है वह करता है, तो प्रजामंडल की स्थापना की जाएगी, फिर राजस्थान का एकीकरण होगा और इस तरीके से राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ जाएगा। तो ऐसे एक एक करके जो है चैप्टर आप लोगों को लाइन बाई लाइन जो है वो पढ़ने हैं। तो कुल मिला के 7 चैप्टर ही हैं आपकी 9th क्लास में, जिसमें हमने 3 चैप्टर जो हैं वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ मैं आप लोगों का, चैप्टर जैसा भी है वो मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। किसी भी तरीके का ऐसा नहीं किया जाता है कि आप लोगों का मैं 5 मिनट भी यहाँ खराब करूँ, फायदा आपका ही है, फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करती हूँ कि आप लोगों को चैप्टर जो है वो रीड करने में मज़ा ना आए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।